taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. Inception movie ka concept, Interstellar movie ka concept, aur to aur Westworld jaise show ka concept jo dimag ka bhopal kar deta hai. और सेम कॉन्सेप्ट में आज लेकर आया हूँ, जिसे देखने के बाद में तुम कहोगे कि ना हमने ऐसा प्लॉट पहले कभी देखा ही नहीं है, क्योंकि ये इंडिया में फेमस नहीं है. अभी रिसेंटली 2022 में ही आया है और लोगों ने इसके बारे में बातचीत नहीं करी है, क्योंकि ना ये नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है ना ये अमेजोन पे अवेलेबल है. तो क्या है वो शो? उसका नाम है सेवरेंस. अगर इसकी IMDb रेटिंग की बात करूं तो 8.7 है आउट ऑफ 10. एमी अवार्ड का नाम सुना है? 14 एमी अवार्ड इस शो के नाम से नॉमिनेट हो चुके हैं. तो पहले मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट सुनाता हूं ताकि तुम्हारा भी दिमाग हिल जाए इसका कॉन्सेप्ट सुनने के बाद में, और तुम अपने आप को रोक नहीं पाओगे. तो शो का कॉन्सेप्ट बेस करता है लिफ्ट का. तो लूमा नाम की एक कंपनी है, उस कंपनी के अंदर है लिफ्ट. लिफ्ट के अंदर एक वर्कर एम्प्लॉय जाता है, जैसे ही वो ऊपर की साइड में जाता है वर्क करने के लिए, उसकी जो पर्सनल लाइफ रहती है, जो कि वो डेली रूटीन में अपन सब जीते, वो पर्सनल लाइफ वो भूल जाता है. उसको ये तक पता नहीं रहता कि उसकी बीवी बच्चे कौन है क्या है, कोई अंदाजा नहीं. डायरेक्ट वो वर्क की मेमोरी लेकर पहुंच जाता है. वो वर्क करता है, शाम को जब वापस से वो लिफ्ट के अंदर जाता है और नीचे उतरता है, तब वो वर्क लाइफ भूल जाता है कि उसने आज क्या काम करा और वो ऊपर क्या काम करता था, उसे कुछ भी याद नहीं रहता. उसकी पर्सनल लाइफ आ जाती है वापस से. लाइक तुम समझे इसका कॉन्सेप्ट को, कितना ज्यादा यूनिक कॉन्सेप्ट है. क्या होता है, बहुत सारे लोग अपनी घर की प्रॉब्लम को लेकर वर्क पर चले जाते हैं और काम करते करते उनकी घर की प्रॉब्लम उन्हें ठीक से काम नहीं करने देती. उसी बात को मद्देनजर रखते हुए सेवरेंस नाम की दवाई को यहाँ इंजेक्ट किया जाता है एम्प्लॉय के अंदर, ताकि वो अपनी पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम्स को लेकर घर पे ना आए. वैसे ही शो की स्टार्टिंग में जो हमारा एडम स्कॉट है, यानी कि मार्क है, वो क्या करता है, वो कार के अंदर रो रहा है, भयंकर तरीके से रो रहा है. और जैसे वो लिफ्ट के अंदर घुसता है वो चुप हो जाता है. हमको खुद को भी समझ नहीं आता कि क्यों चुप हो गया, बट जैसे ही एपिसोड 2 शुरू होगा तब हमें पता चलता है कि इस शो का कॉन्सेप्ट ही कुछ ऐसा है. तो यस, और इस शो का जो प्लॉट है वो कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है कि ये जो वर्कर्स है ना चार लोग, ये खुद से पहला सवाल पूछ लेते कि Who we are, हम लोग हैं कौन. और जब इंसान खुद से यह सवाल पूछ लेता ना, तब वो उसके आंसर ढूंढने में लग जाता, और यहां से इसके प्लॉट की शुरुआत हो जाती. अब शो के बारे में बातचीत और अच्छे से डिटेल से करना चाहिए. तो ये तुम अगर सोचोगे कि रियल वर्ल्ड पे बेस करता जहां पे सब कंपनी ये यूज करती, तो नहीं. लूमा नाम की एक इंडस्ट्रियल कंपनी है, जो काम क्या करती है किसी को नहीं मालूम, इवन इनके वर्कर्स को भी नहीं मालूम कि वो काम क्या करती है. इसीलिए जब उनकी पर्सनल लाइफ की मेमोरी भी हटा दी जाती है ना, तब भी उन्हें कंप्यूटर के आगे बैठकर उस नंबर्स को ही बॉक्स के अंदर डाला, बस इतना सा इनका काम है. और ये चार लोग ही है सिर्फ, एक पूरे का पूरा फ्लोर पर सिर्फ ये चार लोग रहते हैं. और ये कौन है क्या है इनका कुछ भी अपने को बताया नहीं जाता. लूमा कंपनी इनको इंजेक्ट करवा के इनसे काम करवा. और ये शो का जॉनरे की अगर बात करूं तो साइकोलॉजिकल साइंस फ्रिक्शन थ्रिलर वाला शो है ये. इतना सारा जॉनरा जब मैं एक साथ सुनता हूं तो मुझे तो भाई साहब रोंगटे खड़े हो जाते हैं मेरे, क्योंकि ये मेरे फेवरेट जॉनरों में से आता है, इसीलिए मैंने इस शो को लगा लिया. अब शो की अगर मैं बात करूं भाई साहब, तो 5 साल पहले से एक बंदा है डैन एरिक्सन नाम का. उस बंदे को ऑफिस में बैठा बैठा अचानक से उसके दिमाग में ख्याल आया, और ऐसे कॉन्सेप्ट सिर्फ ऑफिस में ही आ सकते हैं. उस बंदे ने ऑफिस में सोचा कि यार मेरी पर्सनल लाइफ अलग होती और जॉब लाइफ अलग होती तो क्या होता, और उसने फिर वो शो लिखना शुरू करा. 2017 में इसकी कास्ट सिलेक्ट हुई, 2021 में ये शो शूट हुआ, और 2022 पे एप्पल टीवी के ऊपर शो अवेलेबल हुआ. शो ने काफी मेहनत करी है भाई साहब, शो में टोटल 9 एपिसोड देखने को मिलेंगे. और अब मैं ये भी बता दूंगा कि कौन से ज्यादा शानदार है. तो ओपनिंग के 3 शो में बहुत मजा आएगा तुमको, लाइक ऐसा होगा कि तुम देखते जाओगे, बट बीच के जो एपिसोड आते हैं 4, 5 और 6 वो थोड़े से स्लो देखने को मिलेंगे. बट जैसे 7, 8 और 9 लगाओगे जो लेवल रहेगा ना, वो और ज्यादा ऊपर चला जाएगा. यानी कि आपने जो ओपनिंग के 2 एपिसोड देखे थे उनसे ज्यादा बेस्ट है लास्ट के 3 एपिसोड. अब ये 3 एपिसोड स्लो क्यों है, तो यहाँ पे आ जाती है एक अलग डायरेक्टर. यस, ओली नाम की एक कोई डायरेक्टर है, उसने बीच के 3 एपिसोड्स को डायरेक्ट किया, इसीलिए मजा नहीं आता. और बेन ने शो के 6 एपिसोड्स को डायरेक्ट किया है, स्टार्टिंग के 3, लास्ट के 3, और वो 6 के 6 बहुत ही ज्यादा माइंड ब्लोइंग बन जाते. तो हाईली तुम्हें ये शो में रिकमेंड करूंगा कि देखो. अब लोग कहेंगे कहाँ देखें यार, तो मैं कहूंगा एप्पल टीवी तुम अपने लैपटॉप पीसी के ऊपर चला सकते हो, और अगर तुम्हारे पास आईफोन है तो फिर एप्पल टीवी डाउनलोड करके साइन करो. 100 रुपए का महीना लगता है, बट तुम्हें कॉन्सेप्ट वाला एक शो सजेस्ट कर रहा हूं. और अभी की अगर मैं बात करूं तो ये शो फेमस नहीं है, बट इन फ्यूचर अगर इसका सीजन 2 उतना ही बेस्ट निकला तो ये फेमस हो जाएगा, इस बात की गारंटी मैं देता हूं. क्योंकि ऐसे कॉन्सेप्ट को
मालिक ज्यादा देर नहीं लगती फेमस होने में। अब मैं कुछ लोगों की और क्यूरियोसिटी होगी कि ये शो स्लो है क्या, नहीं मैं वेस्ट वर्ल्ड जैसा शो देख चुका हूँ और वो जो मिडिल में शो है ना वो बहुत स्लो है, वेस्ट वर्ल्ड बहुत ज्यादा स्लो है। बट इस शो की अगर यही खास बात लगी कि ये थ्रिलर वाला शो है बट फिर भी ये स्लो नहीं है, ये एकदम फास्ट वे में चलता है और तुम पूरी सीरीज में सोचोगे कि यार ये लोग कौन है, ये क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, इसी पर ये शो कब खत्म हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। तो बस इस शो के साथ में कुछ लोगों को प्रॉब्लम आएगी हिंदी की, हिंदी में डब नहीं है, इंग्लिश में अवेलेबल, और यार इंग्लिश अगर अच्छी हो तुम्हारी तो बिल्कुल इस शो को देखना चाहिए। तो ये था मेरा एपिसोड 1 माइंड ब्लोइंग शोज के ऊपर या फिर कहूं मूवीज के ऊपर। तो अपन एक सीरीज लाते रहेंगे जो अनफेमस अंडररेटेड माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट होते हैं ना उसके बारे में अपन चर्चा करते रहेंगे। तो तुम्हारे पास में ऐसा कोई माइंड ब्लोइंग शो है तो रिकमेंड मुझे कर दो, तुम्हारा भाई जरूर देखेगा। बस हाँ, माइंड ब्लोइंग होना चाहिए वो ताकि इस सीरीज पर ला सके। और ऐसे ही और शोज का सजेशन चाहते हो तो सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन दबा दो, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और मिलते हैं किसी और साइंस फिक्शन थ्रिलर वाले शो मूवी के साथ में।